बस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि स्लाइस ऐप क्या है, स्लाइस ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस या फिर 18 के एज में इसे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ बिना सिविल स्कोर के आपको ये क्रेडिट कार्ड दे देता है और अच्छा खासा लिमिट है, मतलब 10,000 से 2,00,000 तक का लिमिट मिलता है बिना सिविल स्कोर के। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी वाली बात है। उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में सिंपली आज मैं बताऊँगी कैसे यूज़ किया जाता है और ये क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा किस तरह से आप स्लाइस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप 48 घंटे के अंदर में आपके पास भी, ये देखो मेरे पास ये मेरा स्लाइस कार्ड है, तो आपके पास भी ये कार्ड आ सकता है। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह के ऐप रिव्यू सेक्शन कभी कभी जीडियो के लिए भी। चलिए आपको मैं बता दूंगी किस तरह से इसे ऐप को यूज करते हैं और ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और मैं अपना स्लाइस ऐप ओपन करता हूँ। ये मैंने करीब हफ्ते भर पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था और ये मतलब चंद मिनटों में यार ये सब कुछ अप्रूवल वगैरह सब कुछ हो गया। और मुझे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे 20,000 रुपीज़ का लिमिट मिला है। ये आपके ऊपर है, आपको भी इससे ज़्यादा लिमिट मिल सकता है। यहाँ पे 2,00,000 तक का लिमिट है 10,000 से लेकर के, तो मुझे 20,000 का मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्पेंड्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इन्वाइट एंड अर्न पर 300 रुपये दोनों को मिलेगा। अगर आप किसी को इन्वाइट कर दो तो उसे भी 300 मिलेगा, आपको भी 300 रुपये मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर के डाउनलोड जरूर करना और अप्लाई करना, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात कि आप जो भी स्पेंड करते हो यहाँ पे से, ठीक है, आपको उसका 2% कैशबैक मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा टू गुड वाली बात है, ठीक है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे टॉप ऑफर्स पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे टॉप ब्रांड्स के टॉप ऑफर्स यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं, जैसे कि स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमैटो, ग्रोफर्स, बहुत सारे रेडबस है, फ्लिपकार्ट है, गो आई बी बो है, कई सारे यहाँ पे आपको कूपन्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्काउंट्स वाले कूपन्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपने स्पेंड किया है, आपने क्या रिपेमेंट किया था। मैंने यहाँ पर से कुछ सामान खरीदा था जिसको मैंने रिपेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल में जाते, तो यहाँ पर प्रोफाइल में काफ़ी सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाते हो प्राइसिंग पे, तो यहाँ पे आपको देखो कार्ड बुकिंग फी 0 है, चार्जेस ऑन बिल कार्ड बिल 0 है, चार्जेस ऑन कार्ड बिल व्हेन स्लाइस ओवर 3 मंथ 0 है। मतलब कि आप जो यहाँ पर से पैसे यूज करोगे आप उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो 4 महीने तक, वो भी बिल्कुल 0 रुपीज़ फी में। तो ये बहुत ज़्यादा टू गुड वाली बात है। उसके साथ लास्ट में एनुअल और रिकरिंग चार्ज भी यहाँ पर 0 है। साथ साथ आप इनको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, ये मैंने पहले ही बता दिया। उसके अलावा आप अपने कैश को यहाँ पे जो 20,000 का लिमिट है, अगर आप इसमें से कुछ पैसे निकालते हो अपने बैंक में भेजते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 से 200 रुपये में 10 रुपये का चार्ज लगेगा, 200 से 500 में 30 रुपये का। तो ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस और फी दिए हुए हैं कि अगर आप बैंक में या फिर पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ करते हो यहाँ से मनी, तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, बैंक के मामले में तो बहुत ज़्यादा कम है। उसके साथ साथ आप रीपेमेंट करने के लिए यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड का ऑप्शन या फिर नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। लेट चार्जेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। देखो 0 से 500 में कोई चार्जेस है ही नहीं, 500 से 5,000 में 20 रुपया चार्जेस है, 5,000 से 20,000 में 50 रुपये है, और मोर देन 20,000 से 100 रुपये चार्जेस है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आपको सही सिविल स्कोर बिल्डअप करना है, तब सही टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें, चाहे वो बैंक का हो या फिर कुछ इस तरह का हो, ठीक है। क्योंकि अच्छा सिविल स्कोर करने के लिए आपको सही टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे बिल पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके सिविल स्कोर पे बहुत ही ज़्यादा हाई इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। उसके अलावा बाकी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सही कार्ड है। हाँ, एक बात है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही मुझे 20,000 का लिमिट मिला है, तो ये अगर आप सिविल स्कोर चेक करने जाओगे तो वहाँ पर अनसिक्योर्ड एनबी करके कुछ है, वहाँ पर आपको अनसिक्योर्ड लोन दिखाता है 20,000 का। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज वाली बात है, लेकिन इसमें भी आप एडवांटेज खोज सकते हो। क्या है ये कि आप जो भी यहाँ पर से आप परचेज करोगे या फिर इन पैसों को यूज़ करोगे, तो आप अगर सही टाइम पे बिल पेमेंट करते हो तो आपके सिविल स्कोर पे 0 इफेक्टिव है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कई सारे यूट्यूबर लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये अनसिक्योर्ड लोन शो करता है सिविल स्कोर के, आप अगर रिपोर्ट देखोगे तो अगर ऐसा बात है तो फिर आप क्या करो कि ये सही टाइम पे रीपेमेंट करो, जो भी आप पैसे यूज़ करते हो इनका लेट पेमेंट करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये बात मैं भी मानता हूँ। तो बस यही एक डिसएडवांटेज, उसके अलावा एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 18 प्लस
यूजर या फिर 18 साल के लोग बिना सिविल स्कोर जनरेट के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अभी फिलहाल मैंने स्लाइस कार्ड के बारे में आपको सारा कुछ बता दिया है, बस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेकंड वीडियो चाहिए या नहीं। वैसे सेकंड वीडियो आने वाली है, कल या परसों में आ जाएगी। तो बस बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।